Mann Whitney U test is used to test the equality of two medians provided that the two samples are independent. Now, students, I would be sharing one real life example and you would learn that how to apply the Mann Whitney U test to that particular data set. The statement that I've taken, it is a real life data. It has stated that according to Newmark et al., who has conducted this study, they have reported the results of an attempt to assess the predictive validity of Klopfer's prognostic rating with subjects who received behavior modification psychotherapy. Following psychotherapy, the subjects were separated into two groups. One is the improved and other one is unimproved. The PRS scores for each subject before the therapy were calculated. We wish to see whether we can conclude on the basis of these data that the two representative populations are different with respect to their median. So students, यहाँ पे आपको alternative hypothesis उसने दिया है. So अगर आपको alternative hypothesis देगा, तो आपने उसके accordingly अपना null hypothesis design करना है. Now let us follow the procedure of Mann-Whitney U-test. It has stated that H naught, जो कि हमारा pair of hypothesis था, alternative was given to us as not equal. So a null hypothesis होगा mx equal to my. mx stands for median for first group. And MY stands for the median for second group. Alpha students, here we are going to take it as 0.05. U is the test statistic of Mann-Whitney and it is being taken as R minus N into N plus 1 by 2. Now, we are going to follow the calculations. So students, pehla aapke paas sample hai improved data ka aur second hai aapke paas unimproved ka. The first thing you need to do is ki inke aapko scores given hai. Aapne kya karna hai? इन दोनों स्कोर्स को ऑर्डर्ड कर लेना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन. सो वो करने के बाद आपने इस डेटा को कंबाइन कर लिया. ये देखिए आपके सामने आपको ऑर्डरिंग ऑफ इंप्रूव्ड डेटा एंड ऑर्डरिंग ऑफ इन इंप्रूव्ड अनइंप्रूव्ड डेटा नजर आ रही है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर सपोज टू डू, जब आपने उनको ऑर्डर कर लिया है तो आप उनको एक सिंगल कॉलम में लिख लेते हैं. जब आपने उन्हें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर करने के बाद एक सिंगल कॉलम में लिखा, द नेक्स्ट थिंग यू वुड हैव टू डू इज टू असाइन द रैंक्स टू देम. अब देखिए, जो कंबाइन करने के बाद दोनों को सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन डेटा में आई थी, दैट वाज 1.7, इसको आपने रैंक असाइन किया 1. देन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 2.2, जो कि पहले सैंपल की है, इसको आपने रैंक असाइन किया 2. एंड सिमिलरली यू हैव असाइन द रैंक्स. अब जो मैक्सिमम रैंक आपके पास आया है वो है 27, जो कि आपने असाइन किया है 11.9 को. दैट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव हैड कंबाइनली फॉर द टू डेटा सेट्स. वंस यू आर डन विद दैट स्टूडेंट्स, आपने अलग से दोनों वेरिएबल्स, जो कि पहला एक्स वेरिएबल के रैंक्स हैं और उसके बाद आपके पास वाई वेरिएबल के रैंक्स हैं, इन सबको यू नीड टू सम अप. इनको सम करेंगे आप और यहां पे देखिए रैंक, जो मिनिमम रैंक सम है जिसको आप आर बोलते हैं, वो कैलकुलेट किया है 296.5. सो आपने दोनों जो डेटा सेट्स हैं उनके रैंक्स को सम किया और उसमें से स्मॉलेस्ट को चूज किया, दैट इज योर क्राइटेरियन. अब इसी स्मॉलेस्ट रैंक सम को, जिसको हम आर का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम यूज करके कैलकुलेशंस करेंगे अपनी. हमने यू के फॉर्मूलाए में पहले आर डाला और ये एन बेसिकली, देखिए मैंने लिखा है एन वन. Why this is called as N1? क्योंकि आपका जो फर्स्ट सैंपल है उसका रैंक सम वाज 296.5 और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास उस सैंपल की थी दे वर 17. सो यूजिंग ऑल दीज डेटा वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड यू एज 143.5. वंस वी आर डन विद दैट स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द क्रिटिकल रीजन. सो वी, इफ यू रिमेम्बर, हमने टू टेल टेस्ट में ये कहा था, क्राइटेरियन डिजाइन किया था that we will be rejecting H naught if U is less than W alpha by 2 or U is greater than W1 minus alpha by 2. अब देखिए, सबसे पहले हमने calculate किया alpha by 2, क्योंकि alpha 0.05 था, हमने इसको 2 से divide किया तो हमें मिला 0.025. अब हमने क्या करना है students, कि हमारे पास N1 है 17 और N2 था हमारे पास 10. इसको हम ये जो critical values का table है इसमें locate करेंगे. क्योंकि हमारे पास N1 17 था
और हमारे पास n2 was 10, so इसके अगेंस्ट स्टूडेंट जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज 45, जिसको मैंने यहां रिपोर्ट किया है. उसके बाद इन ऑर्डर टू फॉलो द नेक्स्ट क्राइटेरियन हम w1 माइनस अल्फा बाई टू कैलकुलेट करने लगे हैं, जिसका फॉर्मूला है n1 इंटू n2 माइनस w1 माइनस अल्फा बाई टू. सो आपने 1 में से 0.025 को माइनस किया और यहां पे आपने सबसे पहले n1 डाला 17, n2 की जगह आपने रखा 10 और w1 माइनस अल्फा बाई टू जो कि आपके पास वैल्यू थी 45. सो w1 माइनस अल्फा बाई टू इज बीइंग कैलकुलेटेड एज 125. सो स्टूडेंट्स क्राइटेरिया आपके पास बेसिकली ये आया है कि अगर आपकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ये 45 से छोटी है या 125 से बड़ी होगी तो आप अपने डेटा की हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. एज अर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यू दैट कम्स आउट टू बी 143.5, इट इज वेरी मच ग्रेटर देन अ टेबुलेटेड वैल्यू. देखिए दो क्राइटेरियन थे आपके पास, इधर आपकी वैल्यू 45 से छोटी होगी या 125 से बड़ी होगी तो आप रिजेक्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, एक क्राइटेरियन पे ये फुलफिल हो रही है वैल्यू 143.5, जो आपने कैलकुलेट की है वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 125, दैट मींस इट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन. सो एच नॉट विल बी रिजेक्टेड एंड इट इज कंक्लूडेड दैट द टू पॉपुलेशंस आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मीडियंस. एंड इफ यू रिमेंबर दैट वॉज द वेरी क्लेम ऑफ द रिसर्चर्स that both the populations are different with respect to their medians, that comes out to be true.